नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच की जा रही है। जल भराव वाले पत्रों को निरीक्षण उपरांत खाली भी कराया जा रहा है और जन जागरूकता के तहत पॉम्पलेट बांटकर क्षेत्र वासियों को जागरूक किया जा रहा है। निगम भिलाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दे रही है। पानी को एक जगह अधिक समय तक एकत्रित नहीं रखने को कहा जा रहा है। डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण के लिए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत भिलाई निगम के द्वारा निगम आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने विशेष गतिविधियां अपना रही है। टीम के द्वारा वैशाली नगर जोन के अंतर्गत घासीदास नगर में बॉम्बे आवास एवं अटल आवास में मच्छर उन्मूलन का अभियान चलाया गया। इस दौरान वयस्क मच्छरों की रोकथाम के लिए मेलाथियन का स्प्रे किया गया, लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमीफास का उपयोग किया गया तथा वितरण भी किया गया। देखिए, गर्मी के दिनों में भी खासकर कूलर का उपयोग ज़्यादा हो जाता है और जल जमाव वाले पात्र में जो पानी होते हैं उसमें पानी स्टोर करके भी रखते हैं लोग, तो ये स्थिति जो निर्मित होती है उससे लार्वा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए भिलाई निगम के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है और विशेष टीम जो है वो निरंतर साल भर जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में जा करके घर घर मुलाकात करके उनके घरों का निरीक्षण करके कूलर की जांच करना, जो जल जमाव वाले पात्र हैं उनकी जांच करना और यदि कोई लार्वा पाया जाता है उसमें तो लार्वा विनिष्टीकरण के लिए टेमीफास का उपयोग करना, नालियों की सफाई, जन जागरूकता के लिए पॉम्पलेट का वितरण करना और एडल्ट मच्छर जो होते हैं उनको उनके रोकथाम के लिए, उनके उन्मूलन के लिए जो है मेलाथियन का छिड़काव करना, इस प्रकार से जो गतिविधि है वो निरंतर अपनाते हैं। इसी तारतम्य में जो है प्रति वर्ष और प्रतिदिन यह डेंगू और मलेरिया और पीलिया का जो रोकथाम का अभियान है वह सतत चल रहा है। जन जागरूकता के तहत लोगों को डेंगू, मलेरिया एवं पीलिया के बचाव के लिए पॉम्पलेट का वितरण करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। टीम के द्वारा घासीदास नगर के वार्ड में लगभग 185 घरों का सर्वे करते हुए 82 कूलर की जांच की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बचाव के लिए भी लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।